अब हम कुछ ही देर बाद शंभू बैरियर पर पहुंचेंगे और जो किसान आगू हैं, चाहे जसविंदर लोंगोवाल की बात करें या फिर हम सरवन सिंह पंदेर की बात करें, वो यहां पर मौजूद हैं और यहां अब लगातार काफिले को आगे बढ़ाने की बात यहां पर कही जा रही है, तेज करने की बात यहां पर कही जा रही है। इनसे बात करने की कोशिश हम करेंगे कि जो कार्रवाई जो है, जो शुरू हो गई है, जो एक्शन शुरू हो गया है पुलिस का, उसको लेकर के उनका क्या कहना है। और जसविंदर लोंगोवाल भी ना सिर्फ इस पूरे काफिले के अंदर अब शामिल हो चुके हैं अपने तमाम किसानों के साथ। आप पीछे नज़ारा देखिए कि अब जो भीड़ है वो किस तरीके से, ट्रैक्टर्स की जो भीड़ है वो यहाँ पर बढ़ चुकी है और किस तरीके का जो नज़ारा है वो बना हुआ है। करीब आधे किलोमीटर से अधिक डबल लाइन का ये पूरा जो नज़ारा है वो इस वक्त यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। और बात करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। पंदेर साहब कुछ ऐसी, पंदेर साहब कुछ ऐसी जानकारी मिल रही है कि जो आपके किसान आगे पहुंचे हैं साथी, उनको हिरासत में लिया जा रहा है पुलिस की तरफ से, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे पास अभी कोई इन्फॉर्मेशन, सभी परिस्थितियाँ कंट्रोल में है और इसके बारे में आगे जाके मालूम करेंगे। अगर ऐसा हो तो बुरी बात है। पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे अगर ऐसा कुछ किया जा रहा है तो, या फिर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पुलिस प्रशासन के बस में सरकार ऑर्डर दे रही है, लगभग 10 दिन से हरियाणा में घेरा डाला हुआ है, तो पुलिस तो हमारे घर से जिस तरह से उसको निर्देश आ रहे वो कर रहे हैं। अभी कौन कौन से काफिले आपके साथ जुड़ चुके हैं और आगे कौन कौन से? अब सभी यूनियन के काफिले हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जसविंदर लोंगोवाल जी भी आपके साथ? हाँ, लोंगोवाल साहब भी, पनेड़ी साहब भी, और भी क्रांतिकारी यूनियन भी सब आ रहे हैं, डलेवाल के साथी भी यहाँ पर। मीटिंग का समय निर्धारित किया है जो आपने आगे बढ़ने को लेकर मीटिंग करनी है? हाँ, देखिए वहाँ जाके स्टे करते हैं 5-6 किलोमीटर पीछे, वहाँ जाके सारी वार्ता करते हैं। अच्छा, अभी बॉर्डर पर सीधे नहीं जा रहे आप, पहले रुके? हाँ, पहले रुक के, साथी बहुत पीछे है ना, उन सबको इकट्ठा तो करना हमारा, अभी भी जितना काफिला आ रहा बड़ा, इससे पीछे पीछे आ रहे हैं तो सभी लोगों को वेट तो करना पड़ेगा। हरियाणा के किसानों को भी आप कुछ बात कह रहे थे, उसको एक बार आप बता दीजिए। देखिए, हरियाणा रास्ता खोलेगा तो सब खुल जाएंगे, हरियाणा पे आंदोलन खड़ा है। आपको उम्मीद है कि हरियाणा के किसान आपके साथ? बिल्कुल, जो मर्जी खट्टर सरकार करे, हरियाणा निकलेगा, चलेगा। तो आप सुन सकते हैं नासिर के किस तरीके से यहाँ जो उम्मीद है हरियाणा को लेकर के एक और जहाँ जताई जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और अपडेट यहाँ पर दिया गया है कि पहले मीटिंग की जाएगी उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा, यानी करीब 5-6 किलोमीटर पहले हॉल्ट लिया जाएगा, तमाम किसान आगू नेता उस जगह इकट्ठा होंगे, तमाम काफिले वहां पर इकट्ठा होंगे और उसके हिसाब से अगला जो फैसला है आगे बढ़ने को लेकर के किया जाएगा। यानी ये एक नया अपडेट है। तो किसान नेता जो शंभू बैरियर के किसान नेता, हरियाणा भी साथ चलेगा, हरियाणा के किसान साथ देंगे। जितेंद्र, आपकी आवाज आ रही है, मीटिंग के बाद आपने आगे बढ़ने का फैसला किया, मीटिंग कर आगे बढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से यहां पर बस कुछ ही देर में रुकने वाले हैं सारे काफले किसानों के जो आगे बढ़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या थोड़ी देर में काफले रुकने वाले हैं किसानों के मीटिंग के लिए? जी, नासिर अपना सवाल दोहराएं। मेरा कहना यह था कि बस ऐसा लगता है कि अब थोड़ी जगह, थोड़ी देर में रुकने वाले हैं काफले सारे किसानों की मीटिंग। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि कि सभी जो संगठन है और जो अलग अलग ग्रुप्स निकले हैं, देखिए बिल्कुल, और ये बताया भी गया सरवन सिंह पंदेर की तरफ से, जो लगातार इस पूरे काफिले की अगुवाई कर रहे हैं, दो काफिले इसके अंदर और शामिल हो चुके हैं, जो ट्रैक्टर ट्रॉली की जो भीड़ है वो पहले से कुछ अधिक यहाँ पर जरूर दिखाई दे रही है। और ये कहा जा रहा है कि जो तमाम जो किसान आगू हैं एक जगह पर 6 किलोमीटर करीब पहले एक हॉल्ट लिया जाएगा, क्योंकि कुछ किसान जो हैं वो पीछे हैं, बीच में लंगर जो है वो चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो स्पीड है वो धीमी होती हुई नज़र आ रही है, तो सीधे शंभू बैरियर जाने की जगह इससे पहले एक जगह रुका जाएगा जहां पर सभी जो काफिले हैं किसानों के वो इकट्ठा होंगे, सभी किसान नेता इकट्ठा होंगे और उन सबके साथ एक बैठक की जाएगी कि अब आगे का किस तरीके का अपना एक्शन प्लान रखना है किसानों को आगे बढ़ने को लेकर के या फिर रुकने को लेकर के। और पुलिस प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, कुछ जगह की जो तस्वीरें नासिर आपने भी दिखाई, उसको लेकर के भी हमने सवाल किया, उनका ये कहना था कि प्रशासन की मजबूरी है कि उसे सरकार के आदेश मानने हैं, लेकिन किसान जो हैं अपना फैसला बैठक करके करते हुए नज़र आएंगे अब से कुछ ही देर बाद। अगर दूरी की बात करें नासिर, यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी अब नहीं रह गई है, अब से कुछ ही देर बाद ये तमाम काफिले रुकेंगे और रुक करके जो मीटिंग है
उस मीटिंग में क्या कुछ रहा उसकी जानकारी भी हम खबरें अभी तक के माध्यम से देंगे। अपडेट लेते रहेंगे आपसे जितेंद्र, नजर बनाए रखें आप। तो इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों का काफिला लगातार आगे बढ़ रहा है और अब थोड़ी देर में एक जगह इकट्ठा होकर किसान बैठक करेंगे। किसानों के दो और काफिले शामिल होंगे और आगे बढ़ने से पहले शंभू बैरियर से करीब 5 से 6 किलोमीटर पहले सभी ये काफिले रुक जाएंगे और फिर अपना एक्शन प्लान, अपनी मीटिंग करेंगे कि अब हमें आगे क्या कदम उठाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। हम आपको तमाम अपडेट देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए अभी रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।